आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हम सब भाई बहनों के जीवन में जोड़ा है। और सच में हम सब आनंदित हैं कि यीशु ने हमें ये समय दिया कि हम उसकी उपस्थिति में बैठे। और परमेश्वर का हम बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप सब भाई बहन जो हमारे साथ निरंतर सुबह शाम की संगति में शामिल होते हैं, उन्हें परमेश्वर ने हमें हमारे परिवार के रूप में दिया है। सो परमेश्वर का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। आइए आज की सुंदर शाम में हम सब मिलकर परमेश्वर के वचन पर मनन करें। और आज की शाम में परमेश्वर का वचन हमसे कहता है दूसरा समुएल उसका दूसरा अध्याय और एक पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, इसके बाद दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं यहूदा प्रदेश के किसी नगर को जाऊं? यहोवा ने कहा, हां जा। दाऊद ने फिर पूछा, किस नगर में मैं जाऊं? उसने कहा, हेब्रोन में। आमीन। जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि ये घटना उस समय की है जब साउल की मृत्यु हो गई थी और ये समाचार दाऊद को मिला। और दाऊद ने यहूदा के देश में जाने का निश्चय किया। उससे पहले दाऊद राजा ने परमेश्वर यहोवा से पूछा कि परमेश्वर, क्या मैं यहूदा प्रदेश के किसी नगर को जाऊं? तब परमेश्वर ने भजनकार दाऊद को इस बात का उत्तर दिया, हाँ तू जा। हम देखते हैं कि भजनकार दाऊद परमेश्वर के बहुत ही ज़्यादा क्लोज थे, बहुत ही ज़्यादा वो परमेश्वर की उपस्थिति में रहने वाले, परमेश्वर के भजन लिखने वाले और परमेश्वर की उपस्थिति में चलने वाले थे, है ना। हाँ, और वो हर बात के लिए परमेश्वर से पूछा करते थे, हर बात के लिए परमेश्वर का गाइडेंस को मांगते थे, परमेश्वर की अगुवाई को मांगते थे। और यहाँ पर परमेश्वर ने भजनकार दाऊद को अगुवाई किया। और उस प्रदेश में जब वो जाते हैं तो हम सब जानते हैं कि वहाँ पर उनका अभिषेक किया गया और वहाँ पर वो राजा के पद के लिए नियुक्त हुए। परमेश्वर ने उन्हें वहाँ पर राजा नियुक्त किया। तो हम देखते हैं कि भजनकार जो भी काम करते थे, दाऊद राजा जो भी काम करते थे, उससे पहले वो परमेश्वर की गाइडेंस को चाहते थे अपने जीवन में। हमेशा वो परमेश्वर की अगुवाई में होकर चलते थे। कुछ भी काम जो उन्हें अपने जीवन में करना होता, उस बात के लिए वो परमेश्वर से सलाह लेते, उस बात को करने से पहले वो परमेश्वर से पूछते, क्या पिता मैं इस काम को करूं, क्या परमेश्वर मैं इस काम को करूं? तो परमेश्वर यहोवा उन्हें उत्तर दिया करते थे, उन्हें डायरेक्शन देते थे किस मार्ग पर उन्हें चलना है, उसे अगुवाई करते थे। और जहाँ कहीं भी वो जाते, वहाँ पर जाने से पहले परमेश्वर से वो पूछते थे। यदि उन्हें युद्ध क्षेत्र में भी जाना होता तब भी भजनकार दाऊद पूछते थे कि परमेश्वर, क्या मैं इन पर चढ़ाई करूं, क्या मैं इनके विरोध जाऊं और लड़ाई करूं? तब परमेश्वर उन्हें बताते, हाँ जा और आज मैं इन्हें तेरे हाथ में कर दूंगा। तो हर बात के लिए भजनकार दाऊद हमेशा परमेश्वर पर डिपेंड रहे। हर बात के लिए वो परमेश्वर की गाइडेंस को मांगते थे। आज हम सबको भी अपने जीवन में परमेश्वर की गाइडेंस की ज़रूरत है, परमेश्वर की अगुवाई की ज़रूरत है, उसकी गाइडेंस में चलने की हमें ज़रूरत है। तो आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि आप भी जब भी अपने जीवन में किसी काम को करें, कहीं भी आपको जाना हो, तो परमेश्वर से आप प्रार्थना करें, परमेश्वर से आप पूछें। परमेश्वर आपको भी ऐसे ही गाइड करेंगे, ऐसे ही आपको मार्गदर्शन करेंगे, जैसे कि हमने देखा कि दाऊद राजा को परमेश्वर ने गाइड किया, ऐसे ही परमेश्वर आपको भी गाइड करेंगे। क्योंकि हमारा प्रभु एक बेस्ट गाइडर है, एक बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन करने वाला हमारा परमेश्वर है। और वो आपका पिता है, आपका दोस्त है, आपका हमसफर है। इसलिए आप उससे हर बात के लिए अगुवाई को मांगे, हर बात के लिए आप गाइडेंस को मांगे, और परमेश्वर आपको गाइड करेंगे। तो आप अपने जीवन में उस मार्ग पर चलने पाएंगे जो परमेश्वर ने आपको दिखाया, और आप उस काम में, उस मार्ग में सफल होंगे और सफलता की ओर बढ़ेंगे। सो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको बहुतायत से आशीष दे। आमीन। अब ये समय होगा कि जब हम सब मिलकर एक गवाही को सुनेंगे और गवाही के बाद हम सब मिलकर प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ इस प्रार्थना में बने रहिए। जय मसीह की। मेरी मम्मी की 3-4 दिनों से बहुत तबीयत खराब हो रही थी और
उसे हार्ट की प्रॉब्लम और गले में जलन और उल्टी भी हो रही थी, वो खाना भी नहीं खा पा रही थी। मैंने पीके भैया अमृता दीदी को व्हाट्सएप द्वारा मैसेज भी किया था, उन्होंने मेरी मम्मी के लिए प्रार्थना भी की थी पीके भैया अमृता दीदी ने, और प्रे करके मैसेज द्वारा भी भेजी थी जी। और प्रभु ने जैसे मेरी मम्मी के जीवन में चंगाई दी, वैसे सबके जीवन में चंगाई दे जैसे। और मैं पीके भैया अमृता दीदी की प्रे भी देखती हूँ, प्रे भी सुनती हूँ और प्रार्थना भी करती हूँ। और मैं पीके भैया अमृता दीदी का पूरे दिल से धन्यवाद करती हूँ और प्रभु का भी धन्यवाद करती हूँ और उनकी टीम का भी धन्यवाद करती हूँ। जय मसीह, आमीन। सो हम परमेश्वर पिता का हृदय से धन्यवाद करते हैं इस सुंदर सी गवाही के लिए जिसके द्वारा हम सब उत्साहित हुए हैं। आज की शाम में हमारे परमेश्वर ने कैसे इनके जीवन में आश्चर्य कर्म किया हमने देखा, और हम जानते हैं कि परमेश्वर से जो प्रार्थना करते हैं उनके जीवन में परमेश्वर कार्य करके उन्हें गवाह के रूप में खड़ा करते हैं, जैसे कि हमने इस गवाही में सुना। सो परमेश्वर आपको इस गवाही के द्वारा आशीष दे। आइए हम सब मिलकर आज की सुंदर शाम में प्रभु के सम्मुख आकर उससे प्रार्थना करें। और मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ, आप भी मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें, आप भी मेरे साथ मिलकर अपने जीवन की परिस्थितियों के लिए, अपनी लाइफ के सक्सेसफुल, अपने लाइफ में सक्सेस होने के लिए, अपने जीवन में मार्गदर्शन के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। प्रभु यीशु सुनकर आपको अगुवाई करेंगे, आपकी सहायता करेंगे। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र अति महान परमेश्वर प्रभु, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं ये सुंदर सा समय जो आपने हम सब भाई बहनों को दिया है कि हम सब आपकी निकटता में आएं, हम सब आपसे प्रार्थना करें, हम सब आपके निकट बैठे अपने दिल के हाल को आपसे कह सुनाए, कि दिन भर में जो कुछ भी हमने किया वो हम आपसे बोलने पाए। हाँ प्रभु, हम आपके निकट आए हैं आज की शाम में अपनी बातों को आपसे कहने, अपनी बातों को आपसे शेयर करने, परमेश्वर अपने दुख को से बयां करने। हाँ परमेश्वर पिता, आपके बेटे बेटियां जितने आज इस प्रार्थना में शामिल हैं, आप उन्हें आशीष दें, आप उनके जीवन में कार्य करें, आपकी उपस्थिति उनके संग में बनी रहे, वो महसूस करें आपकी होली प्रेजेंस को। लॉर्ड थैंक यू फादर, धन्यवाद पिता कि सच में आप जीवित हैं, आप जिंदा परमेश्वर हैं। प्रभु मैं आपसे विनती करती हूँ, प्रभु मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, प्रभु इस समय प्रभु आपके लोग प्रभु जो दुख बीमारी विपत्तियों में हैं, प्रभु उनकी सुधि लीजिए, उनके जीवनों में कार्य कीजिए। यदि प्रभु आज दिन भर में जाने अनजाने में हमसे कोई भी गुना गलती, कोई भी ऐसा अपराध हुआ जो आपकी नजरों में गलत है, यीशु आप हमें क्षमा करें उन गुनाहों के लिए। आपके बेटे बेटियां हम सब मिलकर अपने गुनाहों का अंगीकार कर रहे हैं, प्रभु आप हमारे गुनाहों को माफ करें, आप प्रभु अपने बेटे बेटियों के गुनाहों को माफ करें और हम सब के गुनाहों को माफ करें। प्रभु हमें एक अच्छा और पवित्र जीवन दे परमेश्वर। जिस प्रकार प्रभु आज की शाम में प्रभु हमने वचन को सुना पिता, कि आपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत की, कि सच में मेरे प्रभु जिस प्रकार राजा दाऊद आपसे हर बात को पूछते थे, आपका अपने हर एक मार्ग में जब उन्हें चलना होता तो वो मार्गदर्शन आपसे लेते थे प्रभु, आपसे गाइडेंस लेते थे प्रभु, उसी प्रकार प्रभु हम सब भाई बहन भी परमेश्वर आपके निकट आए हैं अपने जीवन में। प्रभु आपकी गाइडेंस को हम चाहते हैं, आपकी अगुवाई को हम चाहते हैं, मार्गदर्शन हम चाहते हैं प्रभु। और आज जितने भाई बहन अपनी लाइफ में कन्फ्यूज हैं, वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं किस मार्ग में उन्हें चलना है, क्या उन्हें करना है, क्या उन्हें आगे करना चाहिए, प्रभु वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, आपसे दुआ है, आपसे विनती है, आपसे प्रार्थना है प्रभु कि आप उनके जीवन में कार्य करें, आप उन्हें मार्गदर्शन करें, भजनकार दाऊद की तरह आप प्रभु उनकी अगुवाई करें। प्रभु जिस प्रकार प्रभु ये भाई बहन पूछते हैं पिता हम क्या करें, उसी प्रकार यीशु मसीह आप इन्हें उत्तर दें कि तुम ये करो, वचन के द्वारा आप इनसे बातचीत करें। प्रभु धन्यवाद करते हैं, इन्हें मार्गदर्शन करें, इन्हें अगुवाई करें, क्या इनके लिए सही है, क्या इनके लिए गलत है, आप इन्हें बताएं परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु इन भाई बहनों के लिए, इनके लाइफ में मार्गदर्शन के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि आप इन्हें मार्गदर्शन करें प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु इस समय जितने भाई बहन प्रभु अपनी सक्सेस के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु आप उन्हें उनकी लाइफ में सक्सेस करें प्रभु जी। जिस काम में उन्हें सफलता चाहिए उस काम में आप इन्हें सफलता दें परमेश्वर। प्रभु बच्चों को उनकी पढ़ाई में सफलता दें प्रभु जी, जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करें आप उन्हें कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सफलता दें प्रभु जी, जो जॉब के लिए प्रभु जी टेस्ट दिया है उसमें जॉब में आप इन्हें सफलता दें प्रभु जी। इन भाई बहनों को इनकी जॉब में आप ब्लेस करें, जो जॉब करते हैं प्रभु उन्हें उनकी जॉब में ब्लेस करें, जो बिजनेस करते हैं आप उन्हें उनकी बिजनेस पर ब्लेस करें परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी इन्हें एक अच्छा
जीवन दे प्रभु, इन्हें एक अच्छा स्वभाव दे, इन्हें एक अच्छा विचार दे परमेश्वर प्रभु, और ताकि इनका जीवन पवित्र और सिद्ध हो पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ इस समय जितने भाई बहन बीमार हैं, बच्चे बीमार हैं, नौजवान बीमार हैं, बुजुर्ग बीमार हैं, यीशु के नाम से उनकी बीमारियाँ चली जाएँ, यीशु के नाम से उनका दर्द चला जाए, यीशु के नाम से हर एक रोग जो उनके शरीर में लगा है वो नष्ट हो जाए, यीशु के नाम से इनके घाव चंगे हो जाएँ, यीशु के नाम से इनकी हड्डियाँ जुड़ जाए, यीशु के नाम से इनके शरीर के हर एक वो कमियाँ दूर हो जाए। प्रभु जी आप इन्हें मेंटली फिजिकली स्पिरिचुअली हील करें प्रभु। थैंक यू फादर। प्रभु जी जो प्रभु जिन्हें भूलने की बीमारी है, भूलने की बीमारी दूर हो जाए, जिन्हें ब्रेन से रिलेटेड बीमारी है, ब्रेन से रिलेटेड बीमारी दूर हो जाए, आँखों की, कानों की, मुँह की बीमारी दूर हो यीशु मसीह के नाम से, पेट की हर एक समस्या यीशु मसीह के नाम से दूर हो, हार्ट प्रॉब्लम दूर हो जाए, किडनी प्रॉब्लम दूर हो जाए, लिवर प्रॉब्लम दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। प्रभु जी इनके हाथों में, पैरों में, प्रभु शरीर के जिस भी अंग में स्वेलिंग है, स्वेलिंग नष्ट हो यीशु मसीह के नाम से। जिन्हें प्रभु सर्वाइकल का प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। जिन्हें सिस्ट का प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से नष्ट हो जाए प्रभु। धन्यवाद। जिन्हें फोड़े फुंसी और पिंपल्स का प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। रसोलियां, गांठें यीशु के नाम से नष्ट हो जाए पिता। धन्यवाद प्रभु। हर प्रकार का कैंसर, ट्यूमर, पैरालाइज, पाइल्स की बीमारी नष्ट हो जाए यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद प्रभु कि आपने इन्हें चंगा किया यीशु। मैं प्रार्थना करती हूँ आज की शाम में जितने भाई बहनों ने कमेंट्स के द्वारा अपने निवेदनों को दिया है, यीशु के नाम से प्रभु आप उनकी सुधि लेकर उनके जीवन में कार्य करें। यदि उनके परिवार में समस्या है, उनके जीवन में, उनके खुद के रिलेशनशिप में समस्या है, यीशु के नाम से दूर हो जाए। धन्यवाद करते प्रभु आपने हम सब की विनतियों को सुना यीशु। प्रभु हम नहीं जानते इस समय प्रभु ये भाई बहन किस दर्द से, किस दुख से होकर गुजरे, किस प्रॉब्लम से होकर गुजरे, परंतु आप जानते हैं पिता। आप इनकी सुधि लें। ये खुलकर उन बातों को आपसे कह रहे हैं। कर्जे में है प्रभु, ये प्रभु गलत आरोप में फंसाए गए हैं प्रभु, लोगों ने इन्हें छोड़ दिया, ये अकेले पड़ गए प्रभु। आप इनकी सहायता करें प्रभु, और इन्हें हर एक मार्ग में इन्हें मार्गदर्शन करें, सही मार्ग पर आप इन्हें ले चले प्रभु जी। हर एक एडिक्शन, हर एक गलत बात इनके जीवन से दूर करें पिता। आपका धन्यवाद यीशु कि आपने हम सब भाई बहनों की सुधि ली और हम सब की विनतियों को सुना। आपका धन्यवाद करते हुए आज रात में आप इन्हें मीठी सुकून भरी नींद दे और हर गलत बातों से बचाएं परमेश्वर। यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।